हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन करा है कि कैपेसिटर क्या होता है। मैंने बताया था कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। तो सपोज करिए एक कैपेसिटर है, ठीक है, लेट्स से ये कैपेसिटर है जो कि अभी इनिशियली अनचार्ज्ड है। ओके, नाउ अब आप इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं मान लेता हूं कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस है तो इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज है और इसके ऊपर माइनस क्यू डैश चार्ज, इसकी चार्जिंग चल रही है, ठीक है। पहले हमने इनिशियली इसको अनचार्ज लिया था, अब ये धीरे धीरे करके हम इसको चार्ज कर रहे हैं और इन बिटवीन जब चार्जिंग पूरी अभी फुल नहीं हुई है, अभी हम इन बिटवीन प्रोसेस देख रहे हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू डैश और माइनस क्यू डैश चार्ज रहा होगा। नाउ अब आप यहां से यहां सपोज करिए एक स्मॉल चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां से वो चार्ज कम हो जाएगा और यहां पर वो चार्ज बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे ही होगा। एक हम जस्ट केस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं यहां से यहां किसी छोटे से चार्ज को ट्रांसफर कर रहा होता तो मुझको कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो वर्क होगा यही एक्चुअली इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होगा, ठीक है ना। ये वर्क कहां से आ रहा होगा, आपने यहां बैटरी लगा रखी होगी जो इसको चार्जिंग का काम कर रही होगी, तो उस बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती आ रही है और वो किसमें कन्वर्ट होती आ रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप क्या कर रहे हैं, जो बैटरी की केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको वापस से अगर इसकी डिस्चार्जिंग करेंगे तो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है फिर से रिस्टोरिंग कर सकते हैं आप इसमें। इसको हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आगे चलकर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको समझते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी स्टोर होगी। देखिए, सपोज करिए कि यहां से यहां मैंने डीक्यू चार्ज को ट्रांसफर करा, इस चार्ज को इधर से इधर लाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा वो हम मानेंगे डीडब्ल्यू स्मॉल वर्क, क्योंकि आप छोटा सा चार्ज ही ट्रांसफर कर रहे थे उधर, वो होगा पोटेंशियल वी डैश मान लेते हैं क्योंकि अभी ये इसका एक्चुअल पोटेंशियल नहीं है, अभी ये चार्जिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमने इन बिटवीन प्रोसेस भी रखी है किसी इंस्टेंट पर। तो मैंने माना कि जो स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है वो उस टाइम पर जो इसका पोटेंशियल है वी डैश इंटू डी क्यू डैश, इस चार्ज को आपको ट्रांसफर करना है। तो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके लिए कुछ भी नया नहीं है इसमें। नाउ वी डैश की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो देखिए वी डैश क्या होगा, आपको माना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो यहां से वी डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, क्यू डैश अपॉन सी। So, V dash को लिख दूंगा मैं Q dash upon C into DQ dash. Now, ये तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है फॉर स्मॉल वर्क। सपोज करिए ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई तब ये मेरा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। ओके, तो यहां पे प्लस Q चार्ज आ गया, यहां पे माइनस Q चार्ज आ गया और इनके बीच में जो पोटेंशियल आ गया वो V आ गया। So, मैं अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो क्या होगा लिख लेते हैं, चलिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, क्यू डैश बाय सी इंटू डी क्यू, लिमिट लगाऊंगा, पहले मेरा जीरो था, जीरो से मैंने डब्ल्यू वर्क करा और यहां पर पहले मेरे पास चार्ज जीरो था उससे मेरे पास चार्ज क्यू आ गया, ये मैंने लिमिट्स लगा दी इसकी। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तब डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, अच्छा ये सी तो कांस्टेंट है क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो डी क्यू डैश लिखा है, डी क्यू डैश है, तो यहां पे वन अपॉन सी तो करा बाहर और इसको मैंने ऐसा लिख दिया क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, मैं अलग से आपको दिखा देता हूं जो मैं यहां यूज करूंगा। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय टू, अगर यहां पे लिमिट ऐसे लगा रखी है a से b, तो
तो आप यहां पे लिमिट एस लिख लीजिए, मतलब x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ऐसे ही q डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, q डैश स्क्वायर अपॉन 2। सो w इक्वल्स टू 1 अपॉन c और ये हो जाएगा q डैश का स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लग जाएगी 0 से q। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, सो दिस विल बी q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। So, W equals to आ गया 1 upon C times 2 Q square। ये W की वैल्यू आ गई। आपको मालूम है फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो वर्क है यही तो एक्चुअली इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और स्टोर हो रहा है, यू कैन से। तो आप बोलेंगे दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सो आप पोटेंशियल एनर्जी को क्यू लिख देंगे, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो यू विल बी इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो ये एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होगा हाफ Q स्क्वायर बाय C होगा। उसके बाद में आप जानते हैं कि Q को मैं CV लिख सकता हूं, सिंस Q इक्वल्स टू CV। तो मैं यहां पे अगर पुट कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए यही सॉल्व कर लेते हैं। हाफ क्यू की जगह लिख दिया सी वी का स्क्वायर अपॉन सी, सो दिस विल कम हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये कटा, तो यहां से यू की वैल्यू आ गई हाफ सी वी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, अगर इधर ही मैं सी को रिप्लेस कर दूं, सी को मैं क्या लिख सकता हूं क्यू बाय वी। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर और सी को लिखा मैंने क्यू बाय वी, तो ये वी पहुंच जाएगा ऊपर, एक क्यू से क्यू चला जाएगा। तो यू इक्वल्स टू हो गया हाफ क्यू इंटू वी। तो एक फॉर्मूला और आ गया। तो बेसिकली हमने तीन फॉर्मूले निकाल लिए, एक तो ये फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। जहां हमको जैसी जरूरत होगी हम उसके हिसाब से वहां पर उसका डेरिवेशन कर लेंगे। सो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा कैसे करना है इसको, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है और ये आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी इसकी काफी अच्छी एप्लीकेशंस का यूज होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एज आई टोल्ड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो प्लीज इसको बार बार आप लिखकर प्रैक्टिस करिए सो दैट आपको ये इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये तीन तीन जो मैंने फॉर्मूले निकाल दिए हैं वो आप भी कंफर्टेबली निकाल पाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।